तो हमारे साथ जो है यहाँ पर 3 डेज़ का जो कैंप लगता है उस कैंप के एक पेशेंट मौजूद हैं जिनका हम परिचय पूछते हैं। मैम आपका नाम? सुमन बत्रा। सुमन बत्रा कहाँ से आप आए? हम आए उत्तराखंड रुद्रपुर। रुद्रपुर से क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को प्रॉब्लम थी कब्ज़ का और क्या नाम है पेट का, घुटनों का। अच्छा, अब बहुत सही है। अब सही पेट है? साफ हो गया बिल्कुल। अच्छा। पेट साफ अच्छा लग रहा है मुझे। कब से था आपको ये सब प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मुझे 2 साल से है। 2 साल से? हाँ जी। तो इसके लिए आपकी दवाइयाँ चल रही होंगी? हाँ, दवाइयाँ चल रही हैं। चल रही हैं अभी? हाँ। और कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है आपको हिम्स में? अब आधा तो है ही, हाफ तो है ही। पेट साफ होने की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पेट सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है शरीर की बीमारी। हाँ जी। खाने पीने का जो खाया पिया है ना, मैं कभी लेती नहीं थी ऐसे, तो उससे मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। और इस शरीर में क्या इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी, शरीर में क्या बदलाव देखे आपने? बहुत बदलाव है, जैसे कि एक्टिवपन, सब कुछ सही लग रहा है। मतलब कैमरा है इसलिए तो आप नहीं बोल रहे ऐसा कि आपको ठीक नहीं, लग नहीं रहा है? सही लग रहा है, कैमरा की बात नहीं है, सही लग रहा है बिल्कुल। डॉक्टर विश्वरूप से मिले अभी तक आप? हाँ जी। कौन? विश्वरूप? नहीं नहीं, BRC से। आप डॉक्टर्स ने आपको क्या सलाह दी अभी तक? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक हो जाओगे, आप इलाज करो। इलाज करो? हाँ, इलाज करो। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ अभी यहाँ एक और पेशेंट मौजूद है, आपका परिचय हमें दीजिए प्लीज। मेरा नाम गीता सिंगल है, मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को एक तो नी पेन है। अच्छा। और मुझे अस्थमा प्रॉब्लम थी मेन, तो बचपन से। कब से? बचपन से ही थी अस्थमा, बचपन से ही थी। और नी प्रॉब्लम? नी प्रॉब्लम तो अभी मुझे 8-10 साल हुए हैं, तब से, तब सब कम थी, धीरे धीरे हमने कभी फॉलो किया कभी नहीं किया, तो इस चक्कर में हो गई। असली हमें अच्छा लगा जब हम सबको फीवर वगैरह हुआ, तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब को फॉलो किया, BRC डॉक्टर्स को, उनका हम व्यूज़ पढ़ते थे यूट्यूब पर, तो हमको वह बहुत अच्छा लगा, उसे हमें फॉलो किया। हमने किसी का नहीं सुना जबकि हमारी पूरी फैमिली हमारे खिलाफ थी, मैं अपनी फैमिली को लेकर डटी रही और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। मेरे हस्बैंड को तो अगर हम हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो हमें मिलते भी नहीं। उसके बाद मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम हुई, मतलब सब लोग, हम सब लोगों ने, मेरी बहू तो 2 दिन में ही ठीक हो गई नारियल पानी और जूस से। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एज कम थी, मुझे भी हुआ, मैं भी ठीक हो गई। मतलब हमारा पूरा घर, या हमने कोई टेस्टिंग कराया, कोई हम हॉस्पिटल नहीं गए, उसके लिए भी करते सिटी स्कैन कराओ, ये कराओ, कुछ नहीं कराया, और हम सब ठीक हो गए। फिलहाल आपके घुटनों का दर्द कैसा है? घुटनों में मैं यहाँ जब से आई हूँ अभी परसों से, मुझे थोड़ा रिलीफ है, पर घुटने में अस्थमा तो मुझे, मतलब कफ तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी में है अभी प्रॉब्लम। बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो गई? बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, वेट भी लूज़ किया है मैंने। वैसे तो मैं इनसे पहले ही इम्प्रेस थी, तो मुझे तो अच्छा लगना ही था। बिल्कुल। डॉक्टर BRC साहब मिले अभी तक? हाँ जी, कल मिले थे हम लोग। क्या कहा उन्होंने कुछ? नहीं, वैसे पर्सनली नहीं मैं मिली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके सामने फ़ोटोज़ ली थी, हेलो हाय की थी बस। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल की कंडीशन क्या है आपकी? एकदम बढ़िया बढ़िया। मेरे को समझो 90% मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, 10% भी इसलिए हो रहा, थोड़ा नी में है अभी थोड़ी प्रॉब्लम। मैं 61 मेरी एज है। अच्छा। तो एज वाइज भी मतलब होता है ना थोड़ा, लगता नहीं 61। हाँ, मैं, मेरी 10 साल की पोती है, ग्यारहवा साल चल रहा है उसको, मतलब मैं इसलिए अच्छा मुझे मतलब लगता नहीं है लोगों को, क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक अपना फ्रूट्स ही लूँ। अच्छा। और दिन में भी पहले थोड़ा सैलेड खाती हूँ, उसके बाद अच्छा, खाना खाती हूँ, रात का भी। पर ये जो आजकल उन्होंने हमें बताया उसको मैंने इतने अच्छे से फॉलो नहीं किया, जैसे कि उन्होंने बताया टाइम मैनेजमेंट, तो अब वो ना फैमिली में होता है कि चलो अभी सब आ जाएं तब खाना, वो अब मैं पूरा फॉलो करूँगी, अब कोई आए या ना आए, मुझे तो 6:30 बजे खाना खाना है तो खाना ही है। बिल्कुल। तो मैं और अच्छी फिट हो जाऊँगी। हमारे साथ यहाँ पर एक और जो पेशेंट है वो मौजूद है। सर, आपका नाम, आपका परिचय कुछ दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रणवेश पटनायक है, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट में होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं और कोई इशू है आपको, क्या प्रॉब्लम? मेरा CKD का प्रॉब्लम है। CKD की प्रॉब्लम है आप? CKD ना, किडनी डिजीज प्रॉब्लम है। क्रिएटिनिन लेवल क्या था, क्या प्रॉब्लम? बाहर जब टेस्ट किया तो 3.5 निकला, यहाँ पे आया तो 4 अभी निकला है, और मेरा आज डिस्चार्ज है 7 दिन में। और कल टेस्ट हुआ था, सेम है क्रिएटिन, लेकिन शुगर का मेरा 10-12 साल से शुगर का प्रॉब्लम था।
और यहाँ पे आके दो दिन में मेडिसिन कम हो गया और तीन दिन से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। शुगर का मेडिसिन अभी बंद है। चलो बताओ, सीकेडी का तो कोई मेडिसिन नहीं है, प्रेशर और बीपी का ले रहा हूँ। प्रेशर का भी थोड़ा कम हुआ है, सुबह उठते ही बीपी ज़्यादा रहता था, अभी दो दिन से कम हो रहा है। एक डॉक्टर होते हुए भी, मतलब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, एक डॉक्टर होते हुए भी आप हिम्स में यहाँ पे आए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? वही, जब मैंने यहाँ पे फ़ोन किया तो यहाँ से बोला गया कि डॉक्टर को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब ट्रीट करके सब जगह ढूंढ के फिर एम्स में, अपोलो में भी दिखाया है, वहाँ पे भुवनेश्वर में, वही डॉक्टर का वही कहना है, वो तो किडनी के लिए कोई डायरेक्ट दवा नहीं है, प्रेशर का देते हैं, शुगर का देते हैं, उसको मेंटेन करना है, विटामिन देते हैं, एंजाइम और प्रोबायोटिक ऐसे देते हैं। और अभी की कंडीशन के बारे में बताएंगे, आप जैसे बता रहे कि स्थिर बना हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है दो तीन मैंने एक छः महीने से स्टार्टिंग हुआ है, तो मैं सोचा अगर दिखा दूँ तो मेंटेन अगर यहाँ पर रहेगा कम हो जाएगा, और आके अभी आज तो डिस्चार्ज होके जा रहा हूँ, और फ्रेश लग रहा है, फ्रेश है। हाँ, बॉडी में इम्प्रूवमेंट क्या है आपके? हाँ, मैंने एक्टिव लग रहा है, एक्टिव लग रहा है, वेट दो किलो कम, छः दिन से 2 किलो घट गया है। लेकिन आपको ये बताइए कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है, हिम्स में क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग विश्वरूप राय चौधरी को सर को एक साल से दो साल से फॉलो कर रहे थे, कोविड के पहले से भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके आप जो एक मैंने दिनचर्या होता है और खाने का जो रूटीन होता है, घर में जो भी हो, चाय हो, बिस्कुट हो, हम जो खा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो रूटीन फॉलो किया है तो घर में जाके करना ईजी होगा। तो ये यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं? हाँ, ये मैंने 7 दिन में आपका एक रूटीन गिर जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट मौजूद हैं, सर आपका इंट्रो दीजिएगा, परिचय है। मेरा नाम तेज नारायण सिंह, मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा। और मैं लगभग 2 साल से सीकेडी का पेशेंट हूँ। मैं चेन्नई में भी इलाज करवाया था और वहाँ डॉक्टर स्पष्ट कहा कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, मेरा क्रिएटिनिन 8 था वहाँ पर, और सीधा कहा कि आपका कोई डायलिसिस करवाइए, ट्रांसप्लांट करवाइए, इमीडिएट करवाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन चूँकि हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को हम 1 ईयर पहले से जानते थे, इनका हम 2 चीज़ फॉलो करते थे, हॉट वाटर इमल्सन जो है उसको करते थे और वो हेड डाउन टिल्ट करते थे, लेकिन DIP डाइट हम फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको डर था कि डॉक्टर कहता था कि आपको पोटेशियम बढ़ जाएगा फल खाइएगा, तो हम इसलिए यहाँ आए कि देखते हैं हम 10 दिन जाकर के क्या हमको सही में पोटेशियम बढ़ता है फल खाने से या नहीं, क्योंकि डॉक्टर कहता है न फल खाइए, अंग्रेजी डॉक्टर, न फल खाइए न दूध खाइए, तो फिर आदमी जिंदा कैसे रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ आए कि कम से कम फल और यहाँ पर और सब दाल उल खा सकेंगे तो हम तो कम से कम लाइफ मेरा बढ़िया से कटेगा। तो इसे आज मेरा 9वां दिन है, हमारा 1 पॉइंट मतलब 8 से लगभग 7 पर आ गया है क्रिएटिनिन कम हुआ। हाँ, और हम बहुत बढ़िया मैं फील कर रहा हूँ, यहाँ का जो रूटीन है वो रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही फॉलो करूँगा, और अब हम पूरा आश्वस्त हैं कि जो भी मेरा जीवन बचा हुआ है बढ़िया से कटेगा। हाँ, बहुत कम हो गया है, लगभग आधा हो गया है इंग्लिश मेडिसिन, और धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा, यही मैं आशा करता हूँ। डर नहीं है ना कि डायलिसिस हो सकता है? नहीं नहीं, अब मैं एकदम निश्चिंत होकर के जाऊँगा यहाँ से, अब कभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने पर एक बार चेक कराऊँगा, यहीं से संपर्क रखूँगा डॉक्टर से। बिल्कुल जी। और यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट का मन की बात जानना ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में चेंजेस क्या चाहिए। हाँ हाँ, क्या चेंजेस चाहिए आप, कुछ बदलाव ऐसा आपने कुछ ऑब्जर्व किया जो आपको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए? ऐसा तो नहीं, जो यहाँ का रूटीन है वो हमको बहुत अच्छा लगा, डाइट प्लान भी और वो थेरेपी भी बहुत ठीक है, कोई 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 को, हाँ, हमको कोई इससे शिकायत नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं यहाँ के व्यवस्था से। सर अपना परिचय कुछ दीजिए। मेरा नाम विमल कर्मकार, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम मेरा सीकेडी, मतलब किडनी, थोड़ा किडनी हाई है। कब से? एक साल। एक साल में क्रिएटिनिन लेवल क्या था आपका? पहले तो 3 था, अभी धीरे धीरे 1.5 हुआ, उसके बाद फिर अभी 2.2 पे अभी स्थिर चल रहा है। हाँ, चल रहा है। अच्छा, तो दवाइयाँ चल रही थी, अब एक साल से बोल? हम तो दवाई कभी नहीं खाया, डॉक्टर विश्वराज चौधरी का जो वीडियो है
वो दो साल से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद वो उन्होंने जो जो बोला है वो DIP डाइट फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट मैं ले रहा हूँ, तो उसी के वजह से मेरा किडनी और शुगर धीरे धीरे कम हो रहा है। शुगर भी था? हाँ, शुगर हाई शुगर हाई शुगर अच्छा 630 500 ऐसे था। इंसुलिन भी लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ा कम है। अभी इम्प्रूवमेंट क्या है आपके शरीर में? इम्प्रूवमेंट तो अभी यहाँ एडमिशन लेने के बाद कुछ सीखने के लिए मिला है, जैसे जल्दी जल्दी नींद से उठना है, तबीयत ठीक रखना है, एक्सरसाइज करना है, हॉट वाटर मशीन जो है इसमें थेरापी लेना, और तबीयत पूरा तंदुरुस्त रहता है, एनर्जी रहता है। और इंसुलिन अभी चल रही है या यूनिट कुछ कम? इंसुलिन आधा कर दिया और मेरा शुगर भी नॉर्मल है। कितना चल रहा था आपका इंसुलिन, कितना यूनिट? हाँ, यूनिट पहले तो चल रहा 20 यूनिट, अभी कम होते अभी 8 पे। 8 पे बहुत चेंजेस आपका, मतलब आपने अंग्रेजी दवाइयों का जिक्र ही नहीं किया, आप लेते ही नहीं? अंग्रेजी दवाई पहले तो लिया, 15 साल से मेरा शुगर है डायबिटीज़, 15 ईयर्स। अच्छा अच्छा, तो पहले तो सारा अंग्रेजी दवाई लिया था, तो डेढ़ साल से मैं वो दवाई पूरा बंद कर दिया, सिर्फ इंसुलिन ले रहा हूँ और DIP डाइट जो है वो ले रहा हूँ। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई ऐसा सजेशन है क्या चेंजेस करने चाहिए यहाँ पर डॉक्टर्स में, यहाँ के स्टाफ्स में या यहाँ के ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा? हिम्स में जो सिस्टम है हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अगर ये सिस्टम में आदमी अगर चले तो किसी को कोई ये नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। हमारे साथ अभी एक और पेशेंट मौजूद हैं जो कि CKD की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इनसे इनका परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? राजेश कुमार नायक, बिहार से आया हूँ। अच्छा, कब से प्रॉब्लम थी आपको CKD की? जनवरी से ये प्रॉब्लम आ गया। एक साल मतलब 6 महीना? 6 महीने लग गए। 6 महीने जी। कहीं किसी और डॉक्टर वगैरह के पास गए हैं आप किसी ट्रीटमेंट? दिखाए लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, यहाँ आके 3 दिन से एडमिट हैं। इसके लिए कोई दवा वगैरह आपको मतलब बोली गई थी, डॉक्टर्स ने क्या बोला था? डॉक्टर्स ने बोला था कि इससे पहले जो इलाज करा रहे थे वो बोले डायलिसिस कराना होगा, डायलिसिस हो भी रही थी। अच्छा, कितनी बार डायलिसिस? सप्ताह में 2 बार, और यहाँ 3 दिन से हम एडमिट हैं, कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है। बताएंगे कुछ मतलब डॉक्टर वगैरह के बारे में जो, और कुछ डायलिसिस आपको जब बोल दिया गया था तो डायलिसिस आपने करा भी लिया? ये डायलिसिस वहाँ जानकारी नहीं थी, डायलिसिस तो करा लिया, फिर यहाँ आए डॉक्टर्स ने बोला कि डायलिसिस तो अगर चल रहा है तो धीरे धीरे कम होगा, यहाँ भी कराना होगा, तो फिर यहाँ भी करवाना पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने बोला कि कम होगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्रिएटिनिन लेवल क्या था आपका? क्रिएटिनिन लेवल 9.9 था। अच्छा जी, और अभी क्या मतलब ठीक है या नहीं है कुछ? अभी तो बुझा रहा है शरीर में कि तंदुरुस्ती है, ताकत है, इससे पहले ताकत में कमी आ रही थी। अच्छा, अभी कुछ बुझा रहा है कि ताकत है। अच्छा, CKD के लिए यहाँ पे क्या क्या थेरेपी दी जाती है आपको कुछ पता है? आपको क्या दी गई? वही वाटर हॉट इमर्शन जी, और मालिश वगैरह किया जाता है, यही सारी चीज़ें। पंचकर्मा में कुछ ऐसा? आज से शुरू हुआ है पंचकर्मा, अब देखते हैं कैसा। अच्छा, कितने दिन हो रहे हैं आपको? 3 दिन। 3 दिन हो गए जी। 3 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट है, और आप हिम्स में क्यों आए ये बताइए पहले? हिम्स में YouTube पर देख के आए, जगह जगह दिखाने के बाद संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वीकनेस बढ़ता ही जा रहा था, फिर यहाँ के पेशेंट को देखा YouTube पर, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा स्थिति बढ़िया है, ठीक है, यही सोच के आए, और वाकई में देख रहे हैं कुछ न कुछ सुधार हो रहा है, शरीर में सुधार है जी। और कुछ चेंजेस करने के लिए सलाह देंगे आप कि क्या यहाँ पे बदलाव किए जा सकते? अभी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक दो दिन में अब क्या होता है तो अभी तो कुछ नहीं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमें दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं फिरोजाबाद UP से हूँ।
यूपी से। नाम आपका? प्रमोद यादव। क्या प्रॉब्लम थी आपको? किडनी की परेशानी थी। कब से? ये हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने हो रहे हैं। क्रिएटिनिन क्या था आपका? 9.6। डायलिसिस चल रही थी कुछ? डायलिसिस नहीं, नहीं चल रही थी। 6-7 महीने पहले आप कहीं डॉक्टर के पास गए थे? आगरा गए थे। क्या कहा आगरा में डॉक्टर ने? डायलिसिस करानी पड़ेगी। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचा कि डायलिसिस करा लिया जाए? नहीं। क्या सोचा फिर आपने? हमने सोच लिया था कि डायलिसिस नहीं कराएगी। हिम्स में आने की क्या वजह थी? घर वालों ने देखा था यूट्यूब पे देखा था। ऐसा कोई विश्वास था कि यहाँ पे आपको ठीक हो जाएगा? और इम्प्रूवमेंट है कुछ आपके अंदर? कुछ बदलाव दिख रहे हैं आपको? जी हाँ। क्या बदलाव है? नींद आ रही है, ताकत भी आ रही है। और अभी क्रिएटिनिन क्या है आपका? अभी जांच नहीं हुई, तीसरा दिन जांच हो गया। और अभी आप विश्वरूप से मिले हैं अभी तक आप एक बार? हाँ, मिल चुके हैं। कुछ बोला उन्होंने आपको? सही हो जाएंगे, खुश रहो। खुश रहने के लिए? और दवाइयाँ वगैरह कुछ ले रहे थे आप पहले? ले रहे थे। अभी भी चल रही है दवाई? हाँ, लगातार चल रही है। और मतलब कुछ बताएंगे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? आपने कुछ ऐसा मतलब ऑब्जर्व किया हो, कुछ ऐसा सोच देखा हो बदलाव कुछ यहाँ के खान पान में, थेरेपी में? खान पान तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, थेरेपी बढ़िया। आप अभी फ़िलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल एकदम अच्छा। शरीर में क्या महसूस, खुद के शरीर में क्या महसूस? पहले जो है शरीर में जान नहीं थी, अब थोड़ा जान, एनर्जी महसूस हो। तो अभी हम जो हैं हिम्स मेरठ के कैंटीन में मौजूद हैं, और यहाँ पे चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि पेशेंट्स हैं। हमारे साथ भी एक पेशेंट मौजूद हैं। सर कुछ अपना परिचय देंगे हमें? मेरा नाम कृष्णा चरकुलवार, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ। महाराष्ट्र? प्रॉब्लम थी आपको? मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ के है, उसी लिए आया था। और यूरिन में झाग आता है। अच्छा। बैक पेन था थोड़ा। कब से था? अभी एक साल से था। एक साल से था। कहीं मतलब डॉक्टर वगैरह के पास गए थे आप पहले? हाँ, दिखाए थे। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट आया है? अभी ये आके मुझे 3-4 दिन हो गए। हाँ, थोड़ा बैक पेन कम है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ के कुछ थेरेपी वगैरह के बारे में बताएंगे, क्या दे रहे हैं आप? थेरेपी हॉट वाटर इमर्शन दे रहे हैं। अच्छा। और स्नेहन दे रहे, पूरा मसाज और सिरोपिचू। हाँ, तो इससे कोई इम्प्रूवमेंट है शरीर में, कोई सुधार आया है? हल्का हल्का लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और शरीर में कुछ और महसूस हो रहा हो आपको बताइए, आपको खुद को क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जब आए थे तब बैक पेन बहुत था, अभी आराम गिरा है उसमें। अब यहाँ के डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप, जैसे खाना पीना? डाइट अभी सवेरे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स है पूरे। अच्छा। और दोपहर लंच में पहले प्लेट वन सलाद है, प्लेट टू मिलेट की अलग अलग टाइप के, ये रोटी है, कभी इडली डोसा मिलेट के बनाते प्लेट टू में। अच्छा। प्लेट वन पूरा सलाद है, सलाद रहता है। डिनर का पहला प्लेट वन सलाद, बाद में मिलेट का ही है। मतलब कभी आप ऐसा डाइट लिए थे? नहीं किए, नहीं किए, नहीं लिए थे। अब इसके बाद फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। हाँ, चलिए हमारे साथ अभी एक और पेशेंट मौजूद हैं, कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे पेशेंट। मेरा नाम बिमलेश कुमार, मैं जिला जालौन से आया हूँ। जिला जालौन? अच्छा जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी। कब से? कम से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने से मैं बराबर एलोपैथिक में और अन्य जगह भी इलाज ले रहा, लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। मुझे यहाँ 2-3 दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। हिम्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यही मोबाइल से पता चला, मतलब यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के पता चला। तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आते हैं, तो आप हिम्स को ही क्यों चुना आपने? नहीं, हिम्स का थोड़ा क्या है, अच्छा बताया कि मतलब बिना डायलिसिस के ही मतलब किडनी सही कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके वजह से मैं यहाँ आया कि मुझे डायलिसिस ना करवाना पड़े और ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, क्योंकि एलोपैथिक में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बताते हैं,
खाली डायलिसिस करवाओ या ट्रांसप्लांट करो। आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था? मेरा क्रिएटिनिन लेवल 14 था जब मैं भर्ती हुआ। डायलिसिस चल रही थी आपकी? डायलिसिस नहीं करवाई मैंने अभी तक, नहीं कराई नहीं अभी तक। मैं ऐसा ही लड़ता रहा कि कब तक मतलब सही हो जाएगा। अच्छा। फिर मैं लास्ट में यहाँ हो गया। यहाँ पे आए 3 दिन में इम्प्रूवमेंट कुछ बताएंगे आपके खुद के बॉडी के? 3 दिन में अभी मुझे सुधार है बॉडी में। क्या सुधार? मतलब अभी खाना खप जाता है और उल्टियाँ आती थी तो उल्टियाँ नहीं आ रही हैं और बुखार भी नहीं चढ़ रहा है। हाँ। और मतलब यहाँ पे कुछ डाइट थेरेपी के बारे में बताएंगे आप, जानकारी देंगे? हाँ, डाइट का जो उनका प्लान है खिलाने का वो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे से मेंटेन किया है। बाकी आपकी थेरेपी के बारे में कुछ बताएंगे कि आपको थेरेपी क्या दी जाती है? थेरेपी हॉट वाटर इमर्सन हो रहा है और सिरोधारा और एक ये मतलब मसाज करने वाला ये चल रहा है अभी। जी, मिला के हम कह सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को। हाँ, इम्प्रूवमेंट अभी शारीरिक आराम है तो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया।